बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इस समय कोलकाता में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वह ईडन गार्डन स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में भी नहीं दिख सकते हैं। आईसीसी द्वारा 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित किए गए शाकिब को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शाकिब उस शहर में मौजूद रह सकते हैं जहां बांग्लादेश की टीम मैच खेल रही है, लेकिन वह स्टेडियम और उसके आसपास किसी आधिकारिक बैठक या कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रतिबंध के दौरान शाकिब इन नियमों को तोड़ते हैं तो आईसीसी द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईसीसी ने शाकिब पर 2 साल का प्रतिबंध लगा रखा है और इनमें 1 साल निलंबन का है। एक सट्टेबाज ने मैच फिक्सिंग के लिए शाकिब से संपर्क साधा था, लेकिन शाकिब ने इसकी जानकारी आईसीसी को नहीं दी थी। जांच के बाद शाकिब ने इस बात को कबूल भी किया था। बांग्लादेश की टीम कोलकाता में डे नाइट टेस्ट खेल रही है। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज में वह पहला टेस्ट मैच गंवा चुकी है और दूसरे में भी वह हार के करीब है। शाकिब के टीम में नहीं होने से टीम में अनुभव की कमी साफ दिख रही है। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।